अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत असल में हक और बातिल के दरमियान, झूठ और सच के दरमियान मेयार थी। आपकी सूरत को देखकर हक की सूरत का पता चलता था, आपकी सीरत को देखकर हक और सदाकत की सीरत और हक को सदाकत का किरदार सामने आ जाया करता था। बरेली शरीफ में क्या कुछ होता रहा है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मैंने ये देखा कि हजरत के आस्ताने में और हजरत की खिदमत में जितने उलमा और मशायख आते, सारे जहान से और सारे आलम से और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हर जगह के लोग आते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं उस जमाने में ये देखता था और मैं हैरान होता था कि आपकी मजलिस में जो मुरीद होने के लिए लोग आया करते थे, तो मुरीद होने वालों में अवाम की तादाद, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर 100 होती तो उलमा 500 होते। सारे आलिम, कोई आलिम हिंदुस्तान पाकिस्तान का ऐसा नहीं कि जो हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैदान से मुस्तफीद ना हुआ हो। हर आलिम को उसकी हैसियत के मुताबिक फैज मिला, और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, फैज मिल रहा है, और खुदा से दुआ करो कि कयामत तक ये फैज का दरिया जारी रहे। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेली से बाहर जब किसी को तड़प पैदा होती कि वो आला हजरत की जियारत करे, और आला हजरत कैसे थे, आला हजरत की सूरत कैसी थी, आला हजरत की रफ्तार और आला हजरत के गुफ्तार का आलम क्या था, इमाम अहले सुन्नत की सीरत और सूरत को देखने वाला जब मुस्तरिब होता तो वो बरेली शरीफ आ जाता। हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम मौलाना शाह मुस्तफा रदा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होता, हुजूर मुफ्ती आजम की सूरत को देखता तो आला हजरत की सूरत याद आ जाती, आपकी सीरत को देखता तो आला हजरत की सीरत याद आ जाती। आप अपने वालिद की तरह थे, सूरत भी आला हजरत की सूरत से मिलती थी, आपके चलने का अंदाज भी ऐसे ही था जैसे आला हजरत चला करते थे, गुफ्तगू भी उसी अंदाज से किया करते थे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैंने आंखों से देखा है कि ऐसी ऐसी मजलिसें के जिनमें उलमा सैकड़ों की तादाद में होते, बड़ा से बड़ा आलिम और बड़ा से बड़ा शेख भी वहां मौजूद होता। जब हजरत वहां तशरीफ ले जाते तो ऐसा मालूम होता कि पूरी मजलिस की जान मजलिस में आ गई, सारे उलमा, सारे मशायख खड़े हो जाते, हर सिलसिले के, सिलसिले आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, साबरिया, शाजिलिया, जितने सलासिल हैं, सारे सलासिल के उलमा और मशायख हजरत का एहतराम करते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हजरत इस दौर में हक की तलवार हैं और बातिल के लिए भी आप तलवार हैं। अल्लाह अकबर, हक और बातिल के दरमियान आपकी जात फैसल है, आपकी जात नुमाया है। यही वजह है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि हजरत के सामने बात करते हुए बड़ा से बड़ा आलिम सोचता कि उसको क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात शरीयत के खिलाफ अगर हो गई और जबान से निकली तो फिर मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खैर नहीं। हजरत फौरन फरमाते कि तौबा करो। चुनांचे मैं लाइलपुर फैसलाबाद से, मेरे पढ़ने का गालिबन आखिरी साल था, मैं वहां से बरेली शरीफ आया
حضرت نے فرمایا مجھے کہ تم تقریر کرو. میرے عزیزو میرے دوستو, اس سے پہلے ہوتا یہی رہا ہے بریلی شریف میں کہ نماز پڑھانے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی, میں بچپن سے نماز پڑھا رہا ہوں. اور میرے عزیزو میرے دوستو, یہ نماز پڑھانے والی جو بات ہے یہ بھی بزرگوں کا کرم ہے. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھاؤ, اور حضرت کے آگے امام بن کر کے نماز پڑھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. ایک ایک چیز پر نظر ہوتی تھی, انگلیاں کہاں ہیں, پاؤں کہاں ہے, اور ہاتھ کہاں ہونا چاہیے, اور سجدہ کیسے کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں وہیں سے تھیں. اس کے بعد تقریر میرے عزیزوں میرے دوستو, وہاں پر بھی بریلی شریف میں بھی میں اپنی اس عمر میں, جبکہ خود میری عمر 20-22 سال کی ہوگی, 18 اور 22 سال کے درمیان, ان ایام میں تقریر کیا کرتا تھا حضرت کے سامنے. میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عالم, ان کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو صحابی کے شان کے خلاف تھا. فوراً آپ نے اسی وقت فرمایا کہ مولانا توبہ کیجیے. میرے عزیز و میرے دوستو, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سنبھل ضلع مراد آباد, اس موقع پر ایک عظیم علماء کا اجلاس تھا, سینکڑوں علماء اور ہزاروں سامعین ان میں موجود تھے اس اجلاس میں. ایک بہت بڑے شیخ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے پیر, ان کے سلسلے میں ہزاروں عوام تھے اور سینکڑوں علماء ان کے مرید, وہ تقریر فرما رہے تھے. تقریر ان کی ہو رہی تھی اور پورے مجمع پر سناٹا تھا, ہر شخص حضرت کی تقریر سن رہا تھا, اور حضور مفتی اعظم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت تقریر کرتے کرتے ایک جملہ ایسا نکل گیا زبان سے کہ میرے عزیزو میرے دوستو, اس جملے پر گرفت مفتی اعظم ہی فرما سکتے تھے, اللہ اکبر. آپ نے فوراً بغیر کسی ہیجیٹیشن کے, جبکہ وہ خود بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ, فوراً فرمایا کہ حضرت یہ جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. اب آپ سوچئے وہ کون ہے آج کی دنیا میں جو علماء اور مشائخ کے منہ سے اگر کوئی لفظ شریعت کے خلاف نکل جائے. میرے عزیزوں میرے دوستو, گرفت کرنے والی وہ ایک ہی ذات تھی جو آج سے ایک سال پہلے اپنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. جب وہ حضرت نے جب یہ بات سنی تو ان کو تو جناب پسینہ آ گیا, وہ بہت بڑے شیخ تھے, بہت بڑے عالم تھے, پسینہ آ گیا. اور انہوں نے فوراً یہ اعلان کیا کہ چونکہ مفتی اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے اور شریعت کے خلاف ہے, اس لیے میں توبہ کرتا ہوں. میرے عزیزوں میرے دوستو, حضرت کا یہ فیضان ہندوستان میں ہر جگہ تھا, اور یہی وجہ ہے کہ مقرر جو کام تقریر سے نہ لے سکتے تھے, حضرت کسی جگہ اگر تشریف فرما ہو جائیں تو بس تشریف فرما ہوتے ہی پوری مجلس پر ان کا فیض جاری ہوتا تھا, اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اکبر, ان کو حضرت کی ذات گرامی سے فیض مل رہا ہے. میرے عزیز و میرے دوستو, یہ تو ہوتا رہا ہے عام طور سے کہ جب مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نظر پیش کرتا ہے, اور ویسے بھی اخلاقاً بھی یہ تقاضا ہے کہ جب کہیں آدمی جائے تو کچھ نہ کچھ نظر وہاں پیش کرنا چاہیے. کسی دوست سے ملنے کے لیے جائیے تو یہ اخلاق کا بھی تقاضا ہے, اور اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ بھائی ہدیہ ایک دوسرے کو دیا جائے. طریقت کے خانوادے میں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے کہ نظر پیش کرنا اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں. حضرت کے یہاں میں نے یہ دیکھا کہ مریدین آتے, اب مرید تو وہی سب علماء ہوا کرتے تھے, زیادہ تو مرید علماء ہیں, اور اس کے بعد پھر ایسا شیخ, اللہ اکبر, کہ میرے عزیزوں میرے دوستوں, گیا محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ, اللہ اکبر,
1 करोड़ से ज्यादा अफराद आपके मुरीद हैं, पूरा बंबई से लेकर और कलकत्ता और कराची। और कलकत्ता और कराची की बात मैं आपसे क्या अर्ज करूं, जब हजरत मदीने मदीनतुर रसूल में और मदीने तजबा में जब आप हाजिर हुए तो वहां के उलमा और मशाइख हजरत मुफ्ती आजम की खिदमत में आए और उन्होंने इजाजत ली, उन्होंने सनदें ली। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन उर्स में होता क्या था, उर्स में जब लोग आते तो जितना नजर हजरत की खिदमत में पेश किया जाता उससे ज्यादा हजरत अपने मुरीदों और उलमा को आप खिदमत करते। चुनांचे यही वजह है कि हजरत के आस्ताने पर जो भी जाता आप नजर बड़ी मुश्किल से कबूल करते, और अगर कबूल करते तो जितना नजर आपको मिलता उससे ज्यादा आप उनकी खिदमत कर दिया करते थे। अभी अभी मैं 79 में जब मैं यहां से गया हूं मॉरिशस से, कई साल 14-15 साल के बाद जब मैं हजरत की खिदमत में पहुंचा और इस इरादे से गया कि मैं हजरत के पास जा रहा हूं, हजरत की खिदमत में थोड़ी देर बैठूंगा, थोड़ी देर रहूंगा, कुछ खिदमत करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मौका अता फरमाया, मैं हजरत की खिदमत में गया और हजरत की जियारत की। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐसा शेख कामिल के जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत की इशाअत में जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और कानून इस्लाम की तरवीज में और रिवाज देने में आपकी जिंदगी गुजरी, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, इस सदी ने ऐसा अजीम वली, ऐसा अजीम मुफ्ती और ऐसा अजीम शेख न देखा होगा। आज हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हम सारे के सारे नजराने अकीदत पेश करने के लिए यहां हाजिर हैं। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत ने एक बात बताई, शरीयत पर मजबूती, शरीयत पर इस्तेहकाम, और शरीयत के बगैर तरीकत नहीं है। जहां शरीयत होगी वही तरीकत होगी, शरीयत के बगैर मेरे अजीजों मेरे दोस्तों तरीकत का कोई वजूद नहीं। हजरत को मैंने देखा है और किस अंदाज में देखा, आपको पता है कि मेरा और बरेली शरीफ का सबका आस्ताना है मारे रहे तैयबा, हमारे सारे शेख और पीराने तरीकत सब मारे रहे तैयबा में जलवा फरमा, हजरत सईदी आले रसूल, हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी, हजरत अबुल बरकात, हजरत सैयद जलील, ये हजरत इश्की, सारे के सारे ये जो शजरे में दीन और दुनिया के मुझे बरकात दे, बरकात से इश्क हक दे, इश्क इंतिमा के वास्ते, तो ये हजरत सईदी अबुल बरकात से लेकर के और दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शम्सदीन बदरुल उला के वास्ते यहां, और फिर हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी, ये सारे के सारे का वहीं जलवा फरमा है और ये सब आस्ताना उनका है मारे तैयबा में।